बैंगलोर, मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत चीन विदेश मंत्रियों के 5 सूत्रीय समझौते के बाद भी नहीं बनी सहमति, पूर्वी लद्दाख में अभी भी बरकरार है तनाव। राज्यसभा में जया बच्चन ने बिना नाम लिए बीजेपी सांसद रवि किशन पर साधा निशाना, कहा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। भारत में कोरोना का आंकड़ा 50 लाख के करीब, वहीं राजस्थान में 10 घंटे में मिले 799 केस और 7 लोगों की मौत। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के लिए बुधवार को जारी होगी लोक सूचना। पहले चरण में 1003 सरपंच और 9000 से ज्यादा वार्ड पंचों के लिए होंगे मतदान। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की आमने सामने वाली सभी जगह पर अभी तनाव चरम पर है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मॉस्को में 5 सूत्री सहमति के 5 दिन बाद भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कूटनीति और सैन्य स्तर पर शीर्ष स्तर की बातचीत से भी समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन की सीमाएं LAC पर डटी हुई है। भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। जब तक जमीनी स्तर पर कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलता है, तब तक सेना सीमाओं पर सुरक्षा में कोई ढील नहीं चाहती है। सांसद जया बच्चन ने एक बड़ा आरोप लगाया है। सांसद जया बच्चन के अनुसार बॉलीवुड की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। राज्यसभा में जीरो आवर में बॉलीवुड की हो रही आलोचना के बीच ये मुद्दा उठाते हुए उन्होंने सरकार से हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज के पक्ष में खड़े होने की अपील की। उन्होंने बीजेपी सांसद रवि किशन पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन ने कहा कि जब भी देश में कोई समस्या आती है, सबसे अधिक बॉलीवुड के लोग ही मदद के लिए खड़े होते हैं। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रही SP सांसद जया बच्चन ने भावुक होकर ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है कि इस इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन अडानी ग्रुप को 6 हवाई अड्डे देने के मामले पर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने कहा कि अडानी समूह ने 6 हवाई अड्डों के संचालन और विकास के लिए बोलियां जीती हैं। एक निजी संस्था को हवाई अड्डा सौंपना मापदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है। सरकार ने अपने ही कुछ मंत्रालय और विभागों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया है। मापदंडों में बदलाव से अडानी समूह को सभी 6 बोलियों को जीतने में सफलता मिली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए 25 मार्च से देश भर में लागू किए गए 68 दिनों के लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, इसका आंकड़ा मोदी सरकार के पास नहीं है। इसे लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा है कि सरकार ने अगर प्रवासियों की मौत का रिकॉर्ड नहीं रखा तो क्या मौतें नहीं हुई। ट्वीट पर राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया। मोदी सरकार नहीं जानती है कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनियों की नौकरियां गई। तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई। हाँ, मगर दुख है सरकार पर असर ना हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार ने जिसे खबर ना हुई। छत्तीसगढ़ जगदलपुर नगरनार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध रूप से लाखों रुपए का मादक पदार्थ परिवहन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो वाहन में कुछ लोग संदिग्ध सामान लेकर उड़ीसा की तरफ से जगदलपुर की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस आमागुड़ा चौक के पास नाकेबंदी करते हुए वहां से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उड़ीसा की तरफ से आ रही एक स्कॉर्पियो वाहन MH14BC 3602 को रोका। रोकने के बाद वाहन में सवार 2 व्यक्ति अचानक भाग गए। पुलिस ने संदेह करते हुए वाहन की तलाशी ली। तलाशी में पुलिस ने वाहन में छुपाकर रखा 100 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने वाहन में सवार अच्छेलाल वर्मा, इम्ताज शाह और मोहम्मद इकबाल खान को गिरफ्तार कर लिया है। देश में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना का आंकड़ा 49 लाख के पार पहुँच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 83,809 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,054 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 49,30,237 हो गई है। इस वायरस के चलते अब तक देश में 80,825 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं बात करें राजस्थान की, तो यहां पर कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में पिछले 12 घंटे के दौरान 799 नए मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो गई है। इसमें जयपुर में 141, जोधपुर में 93, कोटा में 59, अलवर में 53, अजमेर में 39,
जालौर, धौलपुर और बूंदी में 11-11, 12 झालावाड़, झुंझुनू में 15-15, नागौर में 26, पाली में 21, बांसवाड़ा में 16, चूरू में 14, सिरोही में 16, उदयपुर में 19, टोंक में 10, दौसा राजसमंद में 6, भीलवाड़ा में 38, बीकानेर में 24, हनुमानगढ़ में 32 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा 104,937 हो गया है और मरने वालों की संख्या 1,257 हो गई है। प्रदेश के 3,848 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए बुधवार को लोक सूचना जारी होगी। इन पंचायतों के चुनाव 4 चरणों में होने हैं। पहले चरण में 28 सितंबर को मतदान होगा। उसी दिन शाम को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 29 सितंबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। पहले चरण में 1,003 सरपंच और 9,355 वार्ड पंच चुने जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व की सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। 16 सितंबर से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजस्थान विद्युत प्रसारण मजदूर कांग्रेस इंटक ने वेतन कटौती के विरोध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है। राव अभय सिंह, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्य अभियंता जयपुर अशोक कुमार झालानी को ये ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों का कहना था कि विद्युत विभाग में इस कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों के प्रत्येक माह वेतन से कटौती नहीं की जाए। वहीं प्रसारण इंटक जयपुर के पदाधिकारियों ने मुख्य अभियंता के पद पर कार्य ग्रहण करने पर पुष्प गुच्छ देकर बधाई दी। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। सेंसेक्स में 124.61 अंक ऊपर उठकर 48,881.24 के स्तर पर खुला है। वहीं निफ्टी 42.45 अंकों की बढ़त के साथ 11,482.50 के स्तर पर खुला है। आज ग्रासिम, ICICI बैंक, UPL, डॉक्टर रेड्डी और कोटक बैंक के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, जी लिमिटेड, इंडसइंड बैंक और श्री सीमेंट के शेयर लाल निशान पर खुले। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने से पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है। इसके पहले 14 सितंबर को भी दोनों के भाव में कमी की गई थी। आज पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत करीब 18 और 24 पैसे की कमी दर्ज की गई है। जयपुर में डीजल के भाव 81.53 रुपये और पेट्रोल के भाव 88.73 रुपये दर्ज किए गए हैं। इसके पूर्व 14 सितंबर को डीजल के भाव 81.77 रुपये और पेट्रोल के भाव 88.91 रुपये दर्ज किए गए थे। सितंबर माह में आज सातवीं बार डीजल के भाव में कमी की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।